इधर आगरा में मतदाता सूची में गड़बड़ी का मामला सामने आया है, जिसके बाद जिलाधिकारी ने एक जांच कमेटी का गठन कर दिया है। माना जा रहा है कि जांच के दौरान वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की और भी परतें खुल सकती हैं। आगरा में कई विधानसभा क्षेत्रों में मतदाता सूची में गड़बड़ियों का खुलासा हुआ है। मतदान सूची में नगर निगम स्तर के कई वार्डों को दो विधानसभा क्षेत्रों में दर्शाया गया है। खास बात यह है कि ऐसे मतदाताओं की संख्या 100-200 नहीं बल्कि करीब 25,000 है। चौंकाने की बात यह है कि इस गड़बड़ मतदाता सूची के साथ पिछले दो विधानसभा और एक लोकसभा चुनाव भी पूरा हो चुका है। मामले के खुलासे के बाद अब जिला अधिकारी ने जांच कमेटी का गठन कर दिया है। इसकी जांच करने के लिए हमारे अपर जिला अधिकारी बीतम राजेश की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया, जिसमें एसटीएम सदर, तहसीलदार सदर, और चूंकि नगर निगम से रिलेटेड मामला है तो नगर निगम के जो अपर आयुक्त नगर निगम है उनको सम्मिलित करते हुए समिति का गठन किया गया। उनके द्वारा ये जांच की जा रही है और इसमें जो तत्व जांच में आएंगे उसके बाद ही हम लोग इसको क्लियर कर पाएंगे कौन सी क्षेत्र किस विधानसभा में जाना चाहिए था जो नहीं गया। जांच कमेटी जल्द अपनी जांच पूरी कर रिपोर्ट शासन को सौंपेगी, लेकिन इस खुलासे ने चुनावी प्रक्रिया और जिला प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। बहुत बड़ा गड़बड़ झाला हुआ, जिससे कि वोटों का इधर से उधर शिफ्टीकरण हुआ। जो परसीमन सुनिश्चित किया है उस परसीमन के परिक्षेत्र में रहने वाले लोगों का अधिकार है अपने प्रतिनिधि को चुनना और उसी क्षेत्र में वोटर बनना, ये दुरुस्त हो, इसके लिए मैंने आवेदन आगरा के जिलाधिकारी, आगरा के निर्वाचन अधिकारी से लेकर मुख्य निर्वाचन अधिकारी राष्ट्रीय स्तर पर भी किया है और उन्होंने सबने आश्वासन दिया इसको ठीक किया जाए। यूपी में विधानसभा चुनाव अब करीब है, ऐसे में जांच रिपोर्ट के बाद वोटर लिस्ट को दोबारा सही करना आसान नहीं होगा, क्योंकि वक्त बेहद कम बचा है। अब देखना ये है कि निर्वाचन आयोग और जिला प्रशासन इस चुनौती से कैसे निपटता है। आखिर इतना बड़ा कॉकस कैसा हुआ और चुनाव आयोग अभी तक इसमें कैसे शांत है, अब ये जांच के बाद ही पता चल सकेगा।